यूनिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपनी इनकम पर टैक्स में छूट कैसे प्राप्त करें। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने गुरुवार को आम बजट पेश किया। बजट पेश होने से पहले आयकर की सीमा छूट मिलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वित्त मंत्री जी ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। ATC के तहत निवेश की सीमा को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख रुपये जो पहले थी सीमा वही रखी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। ATC के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की निवेश करने की छूट मिलती है। यदि आप यह निवेश करते हैं तो आपकी जो कुल रकम है, जो आपको सैलरी मिलती है, उसमें से घटा दी जाएगी। इसी के तहत आपको होम लोन, ब्याज लोन और ब्याज पर भी छूट मिलती है। अब मैं आपको वो स्कीम बताऊंगा जिसमें आप निवेश करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। EPF आपकी सैलरी से प्रति माह प्रोविडेंट फंड के लिए कटने वाला पैसा भी इनकम टैक्स नियम कि सेक्शन 86 के तहत छूट के दायरे में आता है। रिटायरमेंट के बाद भी इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। PPF ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसमें आप कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस निवेश पर आपको 8% की दर से ब्याज मिलता है। इसमें निवेश और मिलने वाला ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। ट्यूशन फीस, आपके दो बच्चे हैं और उनकी जो ट्यूशन की आप फीस देते हो उसको भी आप अपनी इनकम में से कटवा सकते हो और टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आप यदि लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो अपनी फैमिली का, जो उसका प्रीमियम देते हो, वो भी छूट इसमें 80C के तहत उसमें छूट मिलती है। यूनिट इंश्योरेंस प्लान, यह एक इंश्योरेंस प्लान है। इसमें इक्विटी के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलता है, यह भी 80C के अंदर आता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसको राष्ट्रीय बचत पत्र बोलते हैं, NSC, ये डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में होता है। ये भी 80C के तहत छूट की मांग इसमें कर सकते हो आप। इस टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक तो हम 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए करते हैं और उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, यदि वो 10,000 से ऊपर है तो आपको, यदि आप 15G या 15H का फॉर्म नहीं भरते हो तो वो टैक्स के दायरे में आता है। यदि फॉर्म भर दिया तो अब नहीं आएगा। लेकिन FD एक होती है, 5 साल का लॉक पीरियड होता है, यदि वो करवाते हो तो उस पर टैक्स नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि स्कीम, इस स्कीम के तहत यदि आप अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर निवेश करते हैं तो इनकम टैक्स नियम सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आपको छूट ले सकते हैं। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, यदि आपने होम लोन ले रखा है तो इसे चुकाने के लिए आप हर महीने किस्त देते हैं। होम लोन की किस्त में हर महीने ब्याज के साथ साथ कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में भी आपकी तरफ से दिया जाता है। ऐसे में आप 80C के तहत प्रिंसिपल अमाउंट को शो कर सकते हैं। यह पूरी तरह से टैक्स फ्री है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, और जिन्होंने किया उनके लिए धन्यवाद।